फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं इफ्तार रूटीन। आज पहला रोज़ा था तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा पहला रोज़ा है तो मैं सिंपल और इजी ही कुछ बनाती हूं, और मैं हमेशा इजी ही प्रेफर करती हूं। तो सबसे पहले मैं कस्टर्ड बना लेती हूं। तो दोपहर के टाइम में मैं ऐसी चीज़ें बना करके फ्रीज में रख देती हूं। तो मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और 4 टेबलस्पून शुगर ऐड किया, और मैं इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो काम जल्दी हो जाए और इजी रहे, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अलग अलग गोल बना के नहीं ऐड करती हूँ, ऐसे ही जब जल्दी में हो और आपको बहुत सारा काम करना हो तो ऐसे ही करना चाहिए। तो और मैं बहुत ही सिंपल और इजी काम ही करती हूँ, मुझे बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट करने की आदत नहीं है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और 5-7 मिनट बॉईल करने के बाद मेरा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो क्योंकि आज पहला ही रोज़ा था तो मैंने सोचा मैं कस्टर्ड ही बनाती हूँ, क्योंकि इबादत के लिए भी वक्त मिले। तो बस ये मेरा कस्टर्ड रेडी है, मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसके बाद मैं टैंग बना करके फ्रीज में रख देती हूँ। टैंग है ना, मेरे घर में डेली बनता है। तो बस ये कस्टर्ड को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, टैंग बनाने के लिए मैंने ना जो जार में मुझे रखना है ना, वही जार में 1 लीटर पानी ले लिया है, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, 5 टेबलस्पून शुगर और 5 टेबलस्पून टैंग ऐड कर देती हूँ। तो मेरे घर में ऑरेंज फ्लेवर का टैंग पिया जाता है हमेशा, मुझे और मेरे बच्चों को, मतलब इन शॉर्ट हम सबको ऑरेंज फ्लेवर ही अच्छा लगता है, तो मैं कोई दूसरा टैंग नहीं लाती हूँ। तो टैंग बना करके मैंने फ्रीज में रख दिया और ये भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम कट करके ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिला लूँगी और इसे डिशेस में निकाल लूँगी, जो सर्विंग बोल होते हैं छोटे छोटे उसमें निकाल लूँगी और इसको फ्रीज में रख दूँगी। तो ये भी अच्छे से सेट हो जाएगा, तो क्योंकि इसको रात में खाने का होता है या फिर सहरी में खाने का होता है, तो इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ बना करके। तो अभी ये सब मैंने दोपहर में कर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है, तो 5:30 या 6:15 बजे थे। तो मैं यहाँ पर एक आलू और एक प्याज चॉप कर रही हूँ पकौड़ों के लिए, मुझे पकौड़े बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पकौड़े हैं ना बेक बनाऊँगी, मतलब मैं इनको बेक करूँगी, फ्राई नहीं करूँगी। तो आप चाहे तो फ्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही टिपिकल रेसिपी है मेरी। तो 1/4 कप मैंने बेसन ले लिया है और मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट है, और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर राइस फ्लावर ऐड करूँगी, यानी कि चावल का आटा ऐड करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और जो वेजिटेबल्स मैंने कट किए थे, कोथमीर, आलू और प्याज, वो मैंने ऐड कर दिए। नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सारे मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिए हैं मैंने। कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है मैंने। इसके बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी का पाउडर भी ऐड किया है। तो मैं कसूरी मेथी क्या करती हूँ कि नॉर्मल जो मिलती है वो ले आती हूँ और उसको ग्राइंड कर देती हूँ इस तरह से, तो वो भी ऐड कर दिया। लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो वो ऐड किया, और बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिला लूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसे बेक करना है। अगर आप फ्राई करते हो तो पानी आप ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर दूँगी और इसका बैटर बना लूँगी। तो बैटर बनाने के बाद मैं क्या करूँगी कि एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर ले लूँगी और इनको मैं अरेंज कर दूँगी। तो पानी में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें बेक करने हैं पकौड़ों को, तो ज़्यादा पानी रहेगा तो वो उस हिसाब से नहीं बनेंगे। मैं इन्हें बेक करने रखूँगी ना तो वो शायद फ्लैट भी हो जाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा ही पानी ऐड कर रही हूँ। और आप इन्हें फ्राई करते हो तो कोई बात नहीं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं इन्हें बेक कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये समोसे पकौड़े खाने वाली रिवायत किसने शुरू की होगी इफ्तार में, मतलब? तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। तो बस मैंने पार्चमेंट पेपर बेकिंग ट्रे पर लगा दिया है और पकोड़े रख दिए, समोसे भी रख दिए। अब मैं इनके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा दूँगी ब्रश की हेल्प से। ओवन मैंने प्रीहीट होने छोड़ दिया है 10 मिनट्स के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीहीट हमेशा 10 मिनट का ही होता है, और मैं इन्हें बेक करूँगी 30 मिनट्स के लिए 180 पर। मैंने प्रीहीट भी 180 पर ही किया है, तो आपको जिस टेम्परेचर पर बेक करना होता है उसी टेम्परेचर पर
आपको प्रीहीट करना होता है। तो बस ये ऑलिव ऑयल लगा देने के बाद मैं इनको ओवन में रख दूँगी। और फ्रेंड्स, जब तक ये बेक हो रहे हैं तब तक मैं फ्रूट्स कट कर लूँगी और दूसरी चीज़ें भी देख लूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर में काम नहीं होते हैं। और मैं मुंबई में रहती हूँ तो BMC का पानी भी शाम को आता है, तो मैं लॉन्ड्री वगैरह देख लूँगी। तो बस माशाल्लाह मेरा इफ्तार का दस्तरखान रेडी है। चलो आप सब भी इफ्तार करने आ जाओ। और फ्रेंड्स, ये पकोड़े बहुत अच्छे बने थे और समोसे भी बहुत अच्छे बने थे। ये दिखने में थोड़े सफ़ेद लग रहे हैं समोसे, लेकिन वो क्रिस्पी कंप्लीट हुए थे और पकोड़े तो बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में ज़रूर याद रखना। आपके इफ्तार मेन्यू में क्या था मुझे कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हो तो मुझे टैग कर देना। और चाय के बिना इफ्तार कंप्लीट कैसे होता है, तो ये है चाय। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा इफ्तार मेन्यू फर्स्ट रोज़े का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी का रमज़ान अच्छे से गुजारे, अल्लाह ताला हर किसी को रिज्क नवाजे और अल्लाह ताला किसी को भी भूखा ना रखे, और जो भी ज़रूरतमंद हो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।